रुकन असेंबली कारबान कौसर मोहिद्दीन ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद बसीउल्लाह खान और आरडीओ चंद्रकला के साथ कुतुबशाही मस्जिद बाकी के सिलसिले में डीसीपी शिल्पा ओली मादापुर से मुलाकात की। वक्फ बोर्ड की अराजी के तमाम कानूनी दस्तावेजात जमा कराए और डीसीपी से जल्द अज जल्द कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। बाद अजां मोहम्मद बसीउल्लाह खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए डीसीपी से मुलाकात की तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज पूरी टीम हमारी वक्फ बोर्ड की, खासकर हमारे एमएलए साहब कारवान एमएलए और हमारे बोर्ड मेंबर हमारे जावेद साहब और हमारे डीएसपी साहब मिलकर यहाँ डीसीपी से आरडीओ जितने पुरों की एक जॉइंट मीटिंग कर हम जॉइंट इंस्पेक्शन करने का वो करें और इंशाल्लाह ताला दो दिन के अंदर जो इनको मेमो इशू करा गया था, अलाटमेंट जो लेटर इनको दिया गया था मंदिर के तहत जो रोड बाइंडिंग में जारी है मंदिर उसके तहत, तो उसका हमारे को एक आज की डेट में अश्योरेंस दिए हैं कि इंशाल्लाह ताला दो दिन के अंदर ये जितना भी मामला है जो कुछ भी हुआ है कल का वो वाक़े को इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द सॉल्ट आउट कर देंगे। वाक़ा कर रहे हैं गैर गलत अफवाहें जो उड़ा रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह ताला दो दिन के अंदर जो भी वाक़ा हो इंशाल्लाह पूरा सेटल हो जाएगा। सबके ऊपर एफ आई आर हो चुका है उनके नामों के साथ, अभी वो भी हमारे तरफ से हम जो एफ आई आर करने के लिए दिए गए एफ आई आर हो चुका है, इंशाल्लाह शाम तक कितने लोगों पर एफ आई आर है पूरा देख के फोटोज वीडियोज देख कर उनका पूरा आपको शाम